जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पुष्यभूति डायनेस्टी कंप्लीट किया था और आज हम जो डायनेस्टी शुरू करने वाले हैं वो है गुप्ता डायनेस्टी। प्राचीन भारत में एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में दो ऐसे एम्पायर रहे हैं, दो ऐसी डायनेस्टीज जिससे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जो थी मौर्य डायनेस्टी, जिसको हमने पढ़ा, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी है वो है गुप्ता डायनेस्टी। देखिए, गुप्ता डायनेस्टी भी एक लंबा टॉपिक है और चूंकि इस डायनेस्टी के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इतिहास में अवेलेबल है, हिस्ट्री में, इसी कारण से इस डायनेस्टी को भी हमको पढ़ने में समय लगेगा। जैसे हमने मौर्य डायनेस्टी को कंप्लीट करने में 3 से 4 पार्ट में हमने मौर्य डायनेस्टी कंप्लीट की थी, वैसे ही गुप्ता डायनेस्टी भी हम 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। देखिए, गुप्ता डायनेस्टी को भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने अभी तक की बाकी डायनेस्टीज को पढ़ा, जिसमें हम सबसे पहले हम सोर्सेस के बारे में देखेंगे कि हमें गुप्ता डायनेस्टी की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। इसमें हम लिखित एविडेंस देखेंगे कि लिटरेरी सोर्सेस क्या क्या रहे हैं। इसके अलावा इनके समय में जो इंस्क्रिप्शंस बनाए गए, इंस्क्रिप्शंस जो बने थे उनके बारे में, और इसी तरीके से हम देखेंगे इनकी सील्स, इनके मॉन्यूमेंट्स और इनके जो सिक्के मिले गुप्त डायनेस्टी के उनसे। इसके बाद इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे इनके प्रोमिनेंट रूलर्स कौन कौन रहे हैं, मतलब गुप्त एम्पायर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रूलर्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें गुप्त डायनेस्टी की तो गुप्त डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है, वो है श्रीगुप्त। तो शुरुआत होगी श्रीगुप्त से जो इस गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं, और जो इसके लास्ट रूलर रहे हैं विष्णुगुप्त, जो गुप्ता डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर रहे हैं वो रहे हैं विष्णुगुप्त। ठीक, तो लाइन से हम एक एक रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे गुप्ता डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें हम उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी में किस तरीके के मंत्रिपरिषद था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे, और इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक, इसके अलावा हम उसमें यह भी देखेंगे कि इनके सोर्स ऑफ रेवेन्यूज क्या क्या थे, टैक्सेशन सिस्टम गुप्त एम्पायर में कैसा था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हमें पढ़ना है वो है सामंथा सिस्टम। सामंथा सिस्टम एक तरीके से कहा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन, एक तरीके से अगर हम बात करें तो इतिहास में डिसेंट्रलाइजेशन की जो नींव पड़ी थी वो गुप्ता डायनेस्टी से पड़ी थी। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप याद करें तो मैंने आपको बताया था कि मौर्य डायनेस्टी के पतन का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी सत्ता और सब कुछ एक पर्टिकुलर पावर सेंटर के हाथ में होता है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। और जब आप अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग दी प्रोविंसेस तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, तो गुप्ता एम्पायर से ही डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। हम डिटेल में इनके डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसका जुडिशियल सिस्टम देखेंगे कि इनके समय में जो न्यायिक प्रणाली थी वो कैसी थी, और इनके यहां जो सजा दी जाती थी वो किस तरीके की सजा दी जाती थी। ठीक, फिर हमने जैसे मौर्योत्तर काल में देखा था महिलाओं की कंडीशन किस तरीके से थी, शूद्रों की कंडीशन किस तरीके से थी, वैसे ही गुप्त काल में भी हम देखेंगे सोशल कंडीशन में कि भाई वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी, शूद्र की कंडीशंस कैसी थी। ठीक है, फिर दासत्व का प्रथा जो थी वो कैसी थी गुप्त एम्पायर में। ठीक है, उसके बाद फिर हम आएंगे इनके रिलीजियंस पे कि ये किस तरीके के रिलीजन को फॉलो करते थे, किस तरीके का रिलीजन इनके समय में काम
करता था, और फिर हम आर्ट एंड क्राफ्ट पे इनके चलेंगे और इनकी इकोनॉमी। तो इस तरीके से हम गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक तो इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और दूसरा जो है इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन इनके रहे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपन गुप्ता डायनेस्टी। देखिए बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा, बहुत ध्यान से। गुप्ता डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो गुप्ता डायनेस्टी से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो जैसे मौर्य डायनेस्टी इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही गुप्ता डायनेस्टी भी एंशियंट इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुप्ता डायनेस्टी की, ठीक, तो गुप्ता डायनेस्टी को इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज ये कहा जाता है गुप्ता एम्पायर। अब इनको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया था जब मैं आपको कुषाण के बारे में पढ़ा रहा था, फॉरेन इन्वेजर्स जो थे कुषाण आफ्टर मौर्य डायनेस्टी के, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन्स, मैंने आपको वहां बताया था कि क्वालिटी के मामले में अगर कहा जाए तो कुषाणों के गोल्ड कॉइन्स इतिहास में सबसे अच्छे रहे हैं क्वालिटी के मामले में। मतलब उनका जो क्वालिटी रही गोल्ड कॉइन्स की वो सबसे अच्छी थी। लेकिन अगर आप क्वांटिटी की बात करेंगे कि किस एम्पायर के सबसे ज्यादा सोने के सिक्के मिले हैं, तो वो है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी अपने सोने के सिक्कों के लिए जानी जाती है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो मिले हैं वो गुप्ता डायनेस्टी के मिले हैं, इसीलिए इनको गोल्डन एज बोला जाता है। गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके टेरिटरी से सबसे ज्यादा सोने के सिक्के मिले। क्लियर? तो इसीलिए इनको गोल्डन एज कहा जाता है। अब इनका भी जो कैपिटल रही है अगर हम बात करें तो अलग अलग रूलर्स के टाइम पर अलग अलग रही है, लेकिन अगर हम इनके फाउंडर्स की बात करें तो उस टाइम पर इनकी भी कैपिटल क्या रही है? पाटलिपुत्र। देखिए मौर्यों की भी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। और गुप्ता डायनेस्टी की भी इनिशियल कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। ये पूरा गुप्ता एम्पायर जो आपको पर्पल कलर से दिख रहा है, ये पूरा जो रहा है ये गुप्ता एम्पायर रहा है। बेसिकली गुप्ता एम्पायर जो रहा है वो वेस्टर्न, नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में रहा। साउथ रीजन में गुप्ता एम्पायर का उतना इफेक्ट नहीं रहा। ठीक है, मतलब अगर आप नोटिस करें मौर्य डायनेस्टी से अशोक के टाइम पर, तो अशोक का साम्राज्य इवन साउथ तक था, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था। अगर आप देखें तो अशोक के समय में तो सिर्फ नीचे का केरल और थोड़ा सा तमिलनाडु वाला पार्ट छोड़ दिया जाए तो बाकी समूचा एरिया जो था वो मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत आता था। लेकिन इनका जो शासन काल रहा है वो नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन में रहा। ठीक, और इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इनके जो फाउंडर रहे हैं, ठीक है, गुप्त डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो माना जाता है श्रीगुप्त को। ठीक है, किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को। तो श्रीगुप्त क्या रहे हैं? गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, हालांकि अगर गुप्ता डायनेस्टी के वास्तविक संस्थापक की बात करें, मतलब अगर हम बात करें इनके वास्तविक संस्थापक की, कि जो इनके वास्तविक संस्थापक या एक तरीके से कहा जाए कि जिनके समय में गुप्ता एरा शुरू हुआ था, वो है चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त प्रथम। तो उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी। लेकिन अगर हम बात करें गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं श्रीगुप्त। ठीक, और इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक, अब हम देखते हैं कि इनकी बारे में हमें कहां कहां से पता चलता है, गुप्ता वंश के बारे में हमको कहां कहां से पता चलता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था दो तरीके के सोर्सेज होते हैं।
एक होता है लिटरेरी सोर्स, मतलब लिखित एविडेंस, मतलब कहीं पर कोई चीज लिखी गई है, ठीक है। और दूसरा जो एविडेंस होता है वो होता है आर्कियोलॉजिकल, जिसको स्थापत्य कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल जिसको क्या बोला जाता है, स्थापत्य बोला जाता है, ठीक। तो दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज गुप्ता एम्पायर में कौन कौन से रहे हैं, मतलब किन किन टेक्स्ट से हमें पता चलता है गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता चलता है पुराणों से गुप्ता एम्पायर के बारे में। कहां से पता चलता है? पुराणों से, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। आप जानते हैं कि टोटल 18 पुराण रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पुराण रहे हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण से हमें गुप्ता एम्पायर की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धर्मशास्त्र, ठीक, धर्मशास्त्र जो है इससे भी हमें क्या पता चलता है, गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो पुराणों के साथ दूसरे नंबर पर क्या आता है? धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र से भी हमें क्या पता चलता है? गुप्त एम्पायर के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक किताब रही है, यह है कामंदका नीति सारा। कामंदका नीति सारा ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये शिखरा के द्वारा लिखी गई है। देखिए, आपको ये सारी बुक्स याद रखनी पड़ेंगी और इनके राइटर्स के बारे में। देखिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमसे लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो लिटरेरी सोर्सेज में मैं जितनी भी बुक्स बता रहा हूं और इनके राइटर्स, ये आप नोट करते चलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस बुक से भी हमें जानकारी मिलती है गुप्त एम्पायर की, कामंदका नीतिसारा, जो किसने लिखी थी? शिखर ने। इसके बाद बात करें तो एक और किताब है सेतु बंधम, ठीक। सेतु बंधम किसने लिखी थी? पवर सेना, ठीक है, पवर सेना ने ये किताब लिखी थी सेतु बंधम। इससे भी हमें गुप्त एम्पायर के बारे में पता चलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक किताब थी देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम जो है ये लिखी है विशाख दत्त ने, ठीक है। देखिए, ये इनके टाइम के सब स्कॉलर्स रहे हैं, प्रवर सेना, शिखरा या विशाख दत्त, ये सब क्या रहे हैं? स्कॉलर्स रहे हैं। इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, इन्होंने इसमें गुप्ता एम्पायर के बारे में बताया है। तो ये देवी चंद्र गुप्तम, ये किताब किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। इसके बाद बात करें तो अगली जो किताब है ये भी विशाख दत्त ने लिखी है, ये है मुद्राक्षसा। मुद्राक्षसा, ठीक है। तो मुद्राक्षसा जो किताब है ये भी किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। ये सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं गुप्ता एम्पायर के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं कालिदास, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो कालिदास के दो महत्वपूर्ण लेख हैं अभिजन शकुंतलम और मेघदूतम। ये दोनों किसने लिखा है? कालिदास ने। तो अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम में भी हमें गुप्त एम्पायर की जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक सुद्रका नाम के राइटर हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसका है नाम है मृचकर्तिका। मृचकर्तिका, ठीक है। तो मृचकर्तिका किसने लिखा है? सुद्रका ने, ठीक है। तो आपको ये सारे बुक्स राइटर्स याद रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक इनके समय में जो फॉरेन ट्रेवलर रहे फाहान, ठीक है, इनके समय में एक फॉरेन ट्रेवलर रहे हैं फाहान, उनकी एक किताब थी फू कू की। फू कू की फाहान की रही है फू कू की। इसमें भी किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त एम्पायर की, ठीक है। और इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती हैं, और भी फॉरेन राइटर्स आए हैं, आईटी सिंह, ठीक है, और ह्यूआन टी संग। ये दोनों भी क्या रहे हैं? फॉरेन जो रहे हैं, विजिटर रहे हैं, जो इनके समय में आए थे, ठीक। तो ये सारे क्या रहे हैं? लिटरेरी सोर्सेज रहे हैं गुप्ता एम्पायर के। आपको एक एक किताब याद रखनी है और उनके राइटर को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसमें से मैं आपको बताऊं तो ये देवी चंद्र गुप्तम, ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, देवी चंद्र गुप्तम के राइटर कौन थे? आपको याद रखना होगा विशाख दत्त, ठीक है। अभिजनान शकुंतलम बहुत अच्छे से जानते हैं आप, मेघदूतम कालिदास के द्वारा, ठीक। तो ये सारे क्या रहे हैं? लिटरेरी सोर्सेज रहे हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इंस्क्रिप्शंस के ऊपर,
ठीक, तो आप ध्यान से इन सारी बुक्स को पढ़िएगा और इनके राइटर्स को नोट करिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब आता है इसके इंस्क्रिप्शंस। अब इनके इंस्क्रिप्शंस कहां कहां मिले हैं, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन मिला है वो मिला है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन ये चंद्रगुप्त टू के टाइम का है, मतलब जब चंद्रगुप्त टू राजा थे तो उन्होंने मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाया था। और ये लोकेशन इसकी कहां है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, तो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये कहां है, दिल्ली में है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त टू के द्वारा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो इंस्क्रिप्शन है जो समुद्रगुप्त ने बनवाया था वो है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इसी को इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी पढ़ेंगे और मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया, चंद्रगुप्त टू ने। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कहां बनवाया गया, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के द्वारा, जिसको बोला जाता है प्रयाग शस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ये इसके बाद अगर हम बात करें तो एरन में एक इंस्क्रिप्शन बनाया गया है स्टोन का। ठीक है, मतलब पत्थरों का इंस्क्रिप्शन बनाया गया है और इनको बनाने वाले कौन है, स्कंद गुप्त। तो स्कंद गुप्त जो रहे हैं, ठीक है, गुप्ता एम्पायर के राजा, उनके समय में एरन स्टोन टू इंस्क्रिप्शन बनवाया गया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त टू के ही टाइम पर कई और भी इंस्क्रिप्शंस बनवाए गए, जिसमें एक है उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, दूसरा है मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन, तीसरा है सांची स्टोन इंस्क्रिप्शन और चौथा है गढ़वा इंस्क्रिप्शन। ये सब किसके टाइम पर बने हैं, चंद्रगुप्त टू के टाइम पर। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त के समय में भी बने हैं, जिसमें एक है भिथारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, दूसरा है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन और तीसरा है इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो किसके टाइम पर बने हैं, स्कंदगुप्त के टाइम पर। ठीक, तो ये सारे इंस्क्रिप्शन रहे हैं जिससे हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में और उनके राजाओं के बारे में पता चलता। ठीक है, तो हम एक ये इंस्क्रिप्शंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके समय में कुछ सील्स भी मिली। ठीक है, और जो सील मिली है वो सबसे ज्यादा मिली है, वो किसकी मिली है, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, अब ये ध्रुव स्वामिनी कौन थी, ये चंद्रगुप्त टू की रानी थी, मतलब चंद्रगुप्त टू की पत्नी थी ये ध्रुव स्वामिनी महादेवी। ठीक है, और इनकी जो सील्स मिली हैं वो कहां से मिली हैं, वैशाली मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट बिहार से। इनकी जो सील्स मिली हैं वो कहां से मिली हैं, वैशाली मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी मिले हैं, जैसे अगर हम बात करें तो उदयगिरी में जो टेम्पल मिला है वो, और पथारी में जो टेम्पल्स मिले। ठीक है, तो ये उन्हीं के समय के बनाए हुए आधिपत्य हैं। ठीक है, जिसके जिससे हमें गुप्ता एम्पायर की जानकारी मिलती है। और लास्ट में जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं इनके सिक्के। मैंने आपको बताया था गुप्ता एम्पायर के जो सिक्के रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स, सबसे ज्यादा मात्रा में गोल्ड कॉइन्स मिले हैं गुप्ता एम्पायर के, इसीलिए इनको गोल्डन एज कहा जाता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, गोल्डन एज। तो ये सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे। ठीक है, इसमें कई सारे लिटरेरी सोर्सेस थे, जिसमें कई किताबों का नाम मैंने आपको बताया और उसके अलग अलग राइटर्स, और उसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस जो थे जो अलग अलग राजाओं के टाइम पर बनाए गए थे। ठीक है, और इसके अलावा सील्स, मॉन्यूमेंट्स और कॉइन्स। अब यहां पर इमेजेस में आपको दिखा रहा हूं कुछ इंस्क्रिप्शंस रहे हैं इन्हीं के समय के। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो ये जो सबसे पहला आपको दिख रहा है ये मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है ये है उदयगिरी की केव इंस्क्रिप्शन, ये जो है ये क्या है, उदयगिरी की केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये मथुरा का स्टोन इंस्क्रिप्शन है। ठीक, तो ये सारे क्या रहे हैं, गुप्त एम्पायर के टाइम पर इंस्क्रिप्शंस रहे हैं। इसके बाद बात करें तो ये उनके सोने के सिक्के,
जो गुप्त एम्पायर के समय जो सोने के सिक्के चला करते थे वो ये सिक्के हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके समय में कुछ मंदिर भी बने थे, जैसे ये जो मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर पथारी में बना हुआ है, ठीक है। पथारी मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पर गुप्त काल के कई सारे मंदिर जो है वो बने हुए हैं, ठीक। तो ये गुप्त एम्पायर का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, ठीक। अब यहां से अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर का ओरिजिन के बारे में। देखिए, इनका ओरिजिन के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही। आपको याद होगा जब मैं मौर्य डायनेस्टी पढ़ा रहा था तो मौर्य डायनेस्टी में भी मैंने उनके ओरिजिन के बारे में अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बातें कही थी, ठीक। तो वैसे ही गुप्तास के बारे में भी ओरिजिन जो इनका रहा है, ठीक है, वो अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बातें कही, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो कुषाण थे, ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो कुषाण थे, ठीक है, और जो सातवाहन थे, ठीक है, कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि ये जो गुप्त गुप्ता जो बने हैं, ठीक है, ये जो निकले हैं, ये इन कुषाण या सातवाहन के ही फ्यूडिटरीज रहे, मतलब इन्हीं के समय के सामंत रहे हैं, और पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होने के कारण, इनमें जो राजनीतिक अस्थिरता आने के कारण बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज ने जन्म लिया जिसमें एक गुप्तास भी माने जाते हैं, ठीक। तो गुप्तास को कुछ हिस्टोरियंस ने माना है कि ये कुषाण और सातवाहन के वंशज हैं, ठीक है। तो जब कुषाण और सातवाहन का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उस टाइम पर बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज हुए जिनमें गुप्तास भी उनमें से एक थे। तो मतलब कुछ लोग ये बात मानते हैं कि गुप्तास जो रहे हैं वो कुषाण और सातवाहन के वंशज रहे हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग ओपिनियंस हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करें डीसी गांगुली की, ठीक है। देखिए, इनके ओरिजिन के बारे में अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बताया। तो अगर हम डीसी गांगुली की बात माने तो ये मानते हैं कि ये जो गुप्ता एम्पायर है इनका ओरिजिन जो हुआ है वो मुर्शिदाबाद बंगाल से हुआ है, ठीक। तो आपको याद रखना है डीसी गांगुली जो रहे हैं इनके उसमें मान इनका मानना ये है कि गुप्ता एम्पायर का जो उदय हुआ वो कहां से हुआ, मुर्शिदाबाद बंगाल से, ठीक। इसके बाद अलग दूसरे जो हिस्टोरियन रहे एस आर गोयल, ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि आज का जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, ठीक है, और इनका एम्पायर इनिशियली एस आर गोयल ने ये माना कि इनिशियली गुप्तास कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के थे, वो भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और धीरे धीरे ये एम्पायर अपना बढ़ाते बढ़ाते गए और ये पहुंचे पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से फिर ये कहाँ पहुंचे, बंगाल। तो मतलब एस आर गोयल का ये मानना है कि ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से आए। डीसी गांगुली का यह मानना है कि ये मुर्शिदाबाद से थे। इसके बाद अगर हम बात करें विष्णु भागवत और वायु पुराण की, पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों में ये लिखा गया है कि जो मगध का रीजन था, ठीक है, और गंगा का रीजन, ठीक है, इसके पूरे एरिया पर जो किसका एम्पायर था, गुप्तास का। मतलब विष्णु पुराण, भागवत और वायु पुराण में ये बात लिखी है कि जो मगध का रीजन था, मगध का रीजन आप जानते हैं कौन सा एरिया था, पूरा बिहार वाला पाटलिपुत्र, वो रीजन। इसके अलावा जो गंगा दुआब वाला रीजन, मतलब उत्तर प्रदेश वाला रीजन था, ठीक है, और इसके अलावा बंगाल तक, ये किसने माना, विष्णु भागवत और वायु पुराण ने, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हिस्टोरियंस ने भी कुछ और बातें कही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ हिस्टोरियंस इस बात को माने थे कि ये कुषाण के फ्यूडिट्रीज थे, ठीक है, मतलब ये क्या थे, कुषाणों के सामंत थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार का। और जैसे ही कुषाण वंश कमजोर हुआ कनिष्क के बाद, तो इन्होंने फिर क्या हुआ, ये एक रूलिंग फैमिली बन गए और इन्होंने वहां पर अपना स्थापत्य बना लिया। तो कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये कुषाणों के क्या रहे हैं, फ्यूडिट्रीज रहे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अर्ली गुप्ता के कॉइन्स हैं, अगर हम बात करें तो ये जो सिक्के मिले हैं गुप्ता के, अर्ली गुप्ता के, और इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं वो ज्यादातर कहां से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। ज्यादातर कहां से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से मिले हैं।
तो SR गोयल साहब ने जो बात कही थी उसकी बातों पर तथ्य ज्यादा बैठता है, क्योंकि अर्ली गुप्ता क्वाइंस और इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें तो ज्यादातर कहां से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये एविडेंस होता है कि गुप्ता की बात करें तो इनका इनिशियल लेवल पर जो एम्पायर स्टार्ट हुआ था वो कहां से हुआ था, उत्तर प्रदेश से, और धीरे धीरे फिर ये बंगाल की तरफ बढ़ते गए पाटलिपुत्र होते हुए। ठीक, तो बहुत सारे सिक्के और इंस्क्रिप्शंस भी उत्तर प्रदेश से मिले हैं। ठीक है, और जो इनका सफिक्स रहा है गुप्ता, इसके तहत ये माना जाता है कि इनका जो ओरिजिन रहा है ये वैश्य रहे। तो गुप्ता एम्पायर्स को क्या माना गया है कि ये वैश्य रहे हैं ओरिजिन के, क्योंकि इनका जो सरनेम है गुप्ता, गुप्ता सफिक्स है। ठीक है, तो इसलिए ये माना गया कि ये वैश्य ओरिजिन के रहे होंगे, और गुप्ता एम्पायर को ही सबसे पहला वैश्य ओरिजिन का एम्पायर माना जाता है। मतलब वैश्य लोगों ने, अगर हम बात करें तो जो राज किया है उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन आते हैं, गुप्ता। ठीक, तो अगर हम गुप्तास की बात करें तो गुप्तास के ओरिजिन के बारे में अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बात कही है। बहुत से हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि ये कुषाणों के क्या रहे हैं, सामंत रहे, उत्तर प्रदेश और बिहार रीजन के। जैसे ही कुषाण वंश कमजोर हुआ इन्होंने अपना एम्पायर स्थापित कर लिया। कुछ हिस्टोरियंस इनको बंगाल का मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस इनको उत्तर प्रदेश का मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हिस्टोरियंस की बातें अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप कमोवेश सभी की बातें सुन लें तो सभी में एक चीज कॉमन रही है कि गुप्त का एम्पायर की जो टेरिटरी रही है वो आज का उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल रीजन रहा। अगर हम सारे हिस्टोरियंस में से अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये तीन गुप्ता एम्पायर के सबसे मेन ओरिजिन माने जाते हैं। ठीक, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर्स का जो ओरिजिन था वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक था। ठीक, तो ये था ओरिजिन्स गुप्तास का। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो हम आते हैं, अब हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टीज के रूलर्स कौन कौन से रहे। ठीक, तो सबसे पहले जो इनके रूलर हैं, ठीक है, सबसे पहले जो इनका फाउंडर भी माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का, वो रहे हैं श्रीगुप्त। ठीक है, तो श्रीगुप्त क्या रहे हैं, गुप्ता एम्पायर के फाउंडर। ठीक है, तो ही इज दी फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, इनको जो टाइटल दिया जाता था वो महाराज का दिया जाता था। ठीक है, इन्होंने जो टाइटल लिया था वो कौन सा लिया था, महाराजा। ठीक है, तो श्रीगुप्त जो गुप्ता वंश के संस्थापक थे उन्होंने क्या टाइटल लिया था, महाराजा। ठीक है, अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, तो मैंने बताया था एक फॉरेन ट्रेवलर थे आईटी सिंह, इनके अकाउंट से हमें इनकी जानकारी मिलती है, और पूना में एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसमें इनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो श्रीगुप्त के को महाराजा टाइटल दिया गया था और ये क्या रहे हैं, गुप्त वंश के संस्थापक। ठीक, अब गुप्त वंश, अब इनके बाद, श्रीगुप्त के बाद इनके जो बेटे हैं वो राजा बनते हैं जिनका नाम था घटोत्कच। तो इनके जो बेटे रहे हैं घटोत्कच, वो इनके बाद इनके बेटे और इनके सक्सेसर रहे हैं। ठीक है, और इनको भी जो टाइटल था वो कौन सा था, महाराज का। ठीक है, घटोत्कच के बारे में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि घटोत्कच उतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं रहे। इनके बारे में सिर्फ इतना है कि ये बेटे रहे हैं श्रीगुप्त के और इनके सक्सेसर रहे हैं, और इनका भी जो टाइटल था वो क्या था, महाराज। ठीक, इसके बाद जो रूलर आते हैं ये गुप्त डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर में से थे, जिनको एक तरीके से गुप्ता डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो थे चंद्रगुप्त वन। ठीक, अब चंद्रगुप्त वन का जो ड्यूरेशन रहा है वो 319 AD से 334 AD तक रहा है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं ड्यूरेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एम्पायर या एम्परर याद रखना है, रूलर याद रखना। तो चंद्रगुप्त वन जो रहे हैं वो इस संस्था वो इनके वास्तविक संस्थापक रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त वन जो हैं इन्होंने सबसे पहले टाइटल लिया था महाराजाधिराज। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रूलर्स को हरा करके
टाइटल लिया था महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज का टाइटल लेने वाले सबसे पहले गुप्ता एम्पायर कौन रहे हैं? वो रहे हैं चंद्रगुप्त वन। ठीक, इसके बाद बात करें तो इनके समय में ही गुप्ता एरा शुरू हुआ था, मतलब गुप्त काल एक तरीके से कहा जाए तो वो शुरू हुआ चंद्रगुप्त वन के टाइम 320 AD से। 320 AD से जो है गुप्ता एरा शुरू हुआ। ठीक, अब यहां पर इन्होंने भी एक मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए चंद्रगुप्त वन ने भी मैट्रिमोनियल अलायंस का कंसेप्ट अपनाया। देखिए, मैट्रिमोनियल अलायंस जो होता है वो एक तरीके से आप किसी दूसरे राजघराने में रिश्तेदारी करते हैं, शादी मैरिज का करते हैं, जिससे कि वहां का भी आधिपत्य जो है वो आपको मिल जाता है, या फिर वो रूलर भी आपका क्या बन जाता है? मित्र बन जाता है। तो मैट्रिमोनियल अलायंस करने में चंद्रगुप्त वन भी बहुत तेज थे। ठीक है, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त वन की, तो इन्होंने उस टाइम पर लिच्छावी, लिच्छावी जो हुआ करता था, वहां की एक राजकुमारी से शादी करी थी जिनका नाम था कुमारा देवी। ठीक है, अब जब इन्होंने एक लिच्छावी प्रिंसेस से शादी करी तो जाहिर सी बात है कि जो लिच्छावी वर्ग जो है, लिच्छावी राज्य जो है, वो एक तरीके से उनसे अच्छे संबंध हो जाएंगे इनके, जिससे इनका पावर और प्रेस्टीज में क्या हुआ? काफी ज्यादा इजाफा हुआ। ठीक, तो और इस मैरिज के चलते ही दो स्टेट्स के बीच में पॉलिटिकली एक कनेक्शन बन गया। पॉलिटिकली क्या हो गया? दो स्टेट्स के बीच में एक कनेक्शन बन गया। तो इनकी शादी के बाद तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसका काफी ज्यादा रहा, क्योंकि यहां पर दो राज्य जो थे वो एक हो गए। अमलगमेशन का मतलब दो स्टेट्स जो हो गए उनका आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध हो गया। क्लियर? तो चंद्रगुप्त वन के टाइम पर, और चंद्रगुप्त वन ने जो कुमारा देवी से शादी करी उस उपलक्ष में, ठीक है, इन्होंने एक सिक्का चलाया जिसमें चंद्रगुप्त कुमारा देवी दोनों का नाम था। तो इन्होंने अपनी मैरिज के उसमें एक सिक्का इशू किया, क्वाइंस इशू किए, जिसमें क्या था? चंद्रगुप्त कुमार देवी क्वाइंस। तो चंद्रगुप्त कुमार देवी क्वाइंस किसने इशू किए थे? तो ये किए थे चंद्रगुप्त वन। ठीक, अब अगर हम चंद्रगुप्त वन के एम्पायर की बात करें तो इनके समय में जो एम्पायर था वो आज का बिहार, अगर हम बात करें कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का, और कुछ पार्ट जो था वो बंगाल का। मैंने आपको बताया था गुप्ता डायनेस्टी में जितने भी ओरिजिन्स माने गए तो ज्यादातर लोगों ने क्या बोला? बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल का जो रीजन रहा है ये इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था। ठीक, तो चंद्रगुप्त वन के बारे में समझ में आया आपको? चंद्रगुप्त वन ने सबसे पहले महाराजाधिराज का टाइटल लिया। ठीक है, इन्होंने लिच्छावी की एक राजकुमारी कुमारा देवी से शादी करी, जिससे लिच्छावी और गुप्तों के बीच में एक संबंध बना, मैट्रिमोनियल अलायंस। और इसके बाद फिर इन्होंने अपने ही शादी के बाद एक सिक्के इशू किए जिनको कहा गया चंद्रगुप्त कुमार देवी सिक्के। और इनका जो एम्पायर रहा वो आज का मॉडर्न बिहार, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का और कुछ पार्ट बंगाल का। ठीक, अब इसके बाद जो गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है, ये भी एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही अगर कहा जाए तो गुप्ता रूलर्स के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक, जो अगले जो रूलर बनते हैं वो हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन के बेटे। ये कौन थे? समुद्रगुप्त। और ये इनका जो ओरिजिन था वो 335, इनका जो रीजन रहा वो 335 AD से 380 AD तक रहा। अब चंद्रगुप्त वन जो रहे हैं, ठीक है, वो सॉरी समुद्रगुप्त, ठीक है, ये सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं अमंग ऑल दी गुप्ता रूलर्स। जितने भी गुप्ता रूलर्स रहे हैं उनमें अगर हम सबसे सर्वश्रेष्ठ माने तो वो किसको माना गया है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, और समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में कोई युद्ध हारे ही नहीं। जैसे अब नेपोलियन की बात करते हैं कि नेपोलियन ने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा, वैसे ही समुद्रगुप्त भी जो थे उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी, मतलब उनकी मतलब शक्ति बहुत थी, वो बहुत ज्यादा वीर थे। इसके अलावा उन्होंने अपने
शासन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, इसी कारण से इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त का कंसेप्ट थोड़ा सा चंद्रगुप्त वंश से अलग था। चंद्रगुप्त वंश जो मैट्रिमोनियल अलायंस में विश्वास रखते थे, समुद्रगुप्त जो थे ये वायलेंस और आक्रमण करने में विश्वास रखते थे। तो इनका जो था वायलेंस और कॉन्क्वेस्ट करना, मतलब जबरदस्ती आक्रमण करके लोगों को मार के और वहां पर अपनी सत्ता स्थापित करना, ये समुद्रगुप्त का मंत्र था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनको भी बहुत सारे टाइटल मिले हैं। ये टाइटल आपको याद रखना है, कविराज। फिर इसके अलावा इनको बोला जाता था विक्रम परम भगवता, इनको बोला जाता था अश्वमेध पराक्रमा। ठीक है, सर्वराज ओचिता, सर्वराज ओचिता, ये क्या रहे हैं समुद्रगुप्त के, क्या रहे हैं ये, क्या रहे हैं इनके टाइटल रहे हैं। ठीक, अब समुद्रगुप्त के समय ही, ठीक है, इनके एक दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट, जिनका नाम था हरिसेन। ठीक है, तो हरिसेन जो थे ये क्या थे, इनके समय के एक दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के समय। ठीक है, और ये हरिसेन ही हैं जिन्होंने कंपोज किया था प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको कंपोज करने वाले कौन थे, हरिसेन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में क्या है। ठीक, तो आपको समझ में आया हरिसेन क्या रहे हैं, उन्होंने कंपोज किया प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त ने एक नया पोस्ट जो है वो एस्टैब्लिश करी थी, मतलब ये एक नई पोस्ट के जनक थे, जिस पोस्ट का नाम था संधि व्रीहि गृहिका, गृहिका, संधि व्रीहि गृहिका, संधि वी गृहिका। ठीक है, ये एक नई पोस्ट निकाली, ये मिनिस्टर हुआ करते थे युद्ध के और शांति के, वॉर एंड पीस, इसके एक मिनिस्टर हुआ करते थे संधि वी गृहिका। और ये संधि वी गृहिका ये पोस्ट किसने बनाई थी, समुद्रगुप्त ने। ठीक, इनके समय में कोर्ट पोएट रहे एक हरिसेन, ठीक है, जिन्होंने क्या कंपोज किया था, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये प्रयाग प्रशस्ति में है क्या। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति की, ठीक है, तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि इसको कंपोज करने वाले कौन थे, हरिसेन, इसको कंपोज करने वाले कौन थे, हरिसेन। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, बेसिकली इसमें जो अपने समुद्रगुप्त रहे हैं उनसे रिलेटेड सारी चीजें यहां डिस्क्राइब की गई हैं प्रयाग प्रशस्ति, मतलब कि समुद्रगुप्त ने कहां कहां पर आक्रमण करके उसको अपने क्षेत्र में लिया, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, और समुद्रगुप्त अपने आप में क्या थे, मतलब समुद्रगुप्त के बारे में सब कुछ जो दिया है वो कहां दिया है, प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, अब इस प्रयाग प्रशस्ति में सारी कुछ बताया गया है, कौन कौन से राज्य पर आक्रमण किया था समुद्रगुप्त ने, किन किन राजाओं को अपने अधीन किया था, किन किन ट्राइब्स को अपने अधीन किया था, मतलब इन्होंने कहाँ कहाँ हमला किया था और कहाँ कहाँ की चीजों को इन्होंने जीता था, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई है, प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पिलर है इसमें और भी एक चीज दी गई है, इंस्क्रिप्शन है किसका, अशोक का। ठीक है, पीस लविंग अशोक। ठीक है, तो अशोक के भी अभिलेख इस पिलर में मिलते हैं, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में अशोक के भी जो है चीजें मिलती हैं और हरिसेन की भी मिलती हैं जो समुद्रगुप्त के बारे में जिन्होंने बताया था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, तो वो कौन कौन से रूलर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करें तो गंगा दुआब रीजन के उस टाइम पर राजा रहे थे उनको हराया था इन्होंने, समुद्रगुप्त ने, गंगा दुआब रीजन के। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ईस्टर्न हिमालयाज है, मतलब ईस्टर्न हिमालयाज मतलब आपका कौन सा रीजन, आपका जो ये वाला रीजन है, आपका ये ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, ये जो असम वाला आज का रीजन है, ठीक है, इसको ईस्टर्न हिमालयाज कहा जाता है।
तो यहां पे भी जो रूलर्स रूल किया करते थे उनको भी किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो विंध्यन रीजन, ठीक है, विंध्यन रीजन की बात करें तो ये आज का जो उज्जैनी वाला पार्ट है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट, उज्जैन वाला विंध्यन रीजन, ठीक है, यहां पर भी जंगलों में कई सारे राजा हुआ करते थे, तो उनको भी हराने का काम किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 12 ऐसे रूलर्स थे ईस्टर्न डेक्कन और साउथ इंडिया के, ठीक है, जिसमें से इन्होंने शकाज और कुषाण्स को भी हराया था। ईस्टर्न डेक्कन का मतलब ये है, ये वाला रीजन, ये जो आज का उड़ीसा है, देखिए ये जो आज का उड़ीसा और ये वाला जो रीजन है पूरा ईस्टर्न डेक्कन, तो यहां पर भी किसने साम्राज्य प्राप्त किया था? समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त ने इन सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स को हराया था। अब हमें कैसे पता चला कि समुद्रगुप्त ने इन सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स को हराया है? ये कहां मेंशन किया है? प्रयाग प्रशस्ति, जो किसने कंपोज की थी? हरिसेन। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक, अब इसके अलावा कुछ और भी अचीवमेंट्स रहे हैं जो समुद्रगुप्त के रहे हैं, जिसमें हम आगे उसको देखते हैं। तो ये समझ में आया आपको, प्रयाग प्रशस्ति, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ और अचीवमेंट्स रहे हैं समुद्रगुप्त के, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स व्यांग हुआन तीसी, ठीक है, इस चाइनीज जो सोर्स था, ठीक है, इसके मुताबिक श्रीलंका का एक राजा था मेघवर्णा, ठीक है, मेघवर्ण जो था ये श्रीलंका का राजा था, इसने एक मिशनरी भेजी समुद्रगुप्त के, ठीक है, ताकि ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल बना सके गया में, इसकी परमिशन मांगी थी। तो आज जो आप जाएंगे गया, तो बोध गया में जो बुद्ध का मंदिर बना है, तो वो मंदिर समुद्रगुप्त के ही परमिशन से बनाया गया। मेघवर्णा जो उस टाइम पर श्रीलंका के राजा थे, उन्होंने एक मिशनरी भेजी समुद्रगुप्त में के सामने, और उन्होंने कहा कि हमें एक बुद्धिस्ट टेम्पल जो है गया में बनाना है, बुद्धों का मंदिर, ठीक है। और आज की डेट में अगर आप बात करें तो बुद्धों का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो गया में है, ठीक है, और ये वही मंदिर है जिसकी मंदिर को बनाने की जिस मंदिर को बनाने की परमिशन समुद्रगुप्त से किसने ली थी? श्रीलंका के राजा ने। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज का जो जावा है, ठीक है, जावा है, सुमात्रा है, मलाया आइलैंड्स, मतलब आज का जो मलेशिया है, ठीक है, सुमात्रा है, ये यहां पर भी समुद्रगुप्त का डोमिनियन था। ठीक है, डोमिनेंस होने का मतलब ये है कि समुद्रगुप्त के पास भी इसका मतलब नेवी थी, ठीक है, क्योंकि भाई ये जावा, सुमात्रा, मलाया, ये सब क्या है? आइलैंड है। अब जाहिर सी बात है, वहां आइलैंड तक अगर आपको पहुंचना है और वहां पर अपना डोमिनेशन बनाना है, तो आपके पास नेवी होनी चाहिए। अब चूंकि गुप्ता एम्पायर ने जो ये था, ये पूरा ईस्टर्न वाला पार्ट, जो डेक्कन वाला पार्ट था, तो ये पूरा कब्जा कर लिया था, जिसके कारण इनको पूरा ये कोस्टल बेल्ट मिल गया था। एक तरीके से कहा जाए तो ईस्टर्न का पूरा कोस्टल बेल्ट जो था वो किसके हाथ में था? गुप्तों के हाथ में। तो इसीलिए जावा, सुमात्रा, मलाया आइलैंड्स पे इनका डोमिनेशन था। इसके अलावा बात करें तो इसने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया है, ठीक है, तो इसने भी, समुद्रगुप्त ने भी क्या करवाया? अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अब अगर हम बात करें धर्म की समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त वैसे तो बेसिकली वैष्णवाइट, वैष्णवाइट मतलब ऐसे जो विष्णु भगवान को मानते हैं, ठीक है, तो समुद्रगुप्त वैसे तो वैष्णवाइट था, लेकिन अदर रिलीजियंस मतलब दूसरे धर्मों के प्रति भी ये टॉलरेंट था। देखिए आप, देखिए मेघवर्मन जो श्रीलंका के राजा थे, उन्होंने बुद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से परमिशन मांगी और समुद्रगुप्त ने वो परमिशन दे दी। इसका मतलब क्या होता कि वो और धर्मों की भी सम्मान करते थे, बशर्ते वो उस धर्म को नहीं, वो दूसरे रिलीजन को मानते थे, लेकिन उनका टॉलरेंट बिहेवियर था अदर रिलीजन्स के प्रति। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक कवि भी रहे हैं, म्यूजिशियन भी रहे हैं, और ये भी पैट्रॉन रहे हैं ऑफ लर्निंग, ठीक है, मतलब ये समुद्रगुप्त सिर्फ एक बहुत ही कुशल राजा ही नहीं रहे, ये कवि भी रहे हैं, ये संगीतकार भी रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी थी कृष्ण चरिता संस्कृत में, तो आपको याद रखना है कृष्ण चरिता, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी समुद्रगुप्त ने, ठीक है।
अब अगर हम बात करें तो इनके समय में कई सारे गोल्ड कॉइन्स भी इशू हुए, अगर हम बात करें। अच्छा, इनके समय में इनका म्यूजिक के प्रति जो प्रेम था वो इस बात से भी अटेस्ट होता है कि इनके जो सोने के सिक्के थे, ठीक है, वो भी इन्होंने कई सारे म्यूजिक जो वो थे, क्या कहते हैं, यंत्र, जैसे वीणा हो गया, ठीक है, वीणा वंदन, ठीक है, तो इस टाइप के भी गोल्ड कॉइन्स इन्होंने निकाले। तो इसके भी ये पता चलता है कि संगीत के प्रति इनका असीम प्रेम था। तो अगर हम बात करें तो इनके जो गोल्ड कॉइन्स रहे हैं वो अश्वमेध टाइप के रहे, गरुण टाइप के रहे, आर्चर टाइप के रहे, व्याग्रहण नान टाइप के रहे हैं, ठीक है, ये टाइप है, सॉरी, TEPYPE, ठीक है। इसके अलावा हम अगर हम बात करें तो वीणा वंदन, ये भी इनका एक टाइप रहा है, वीणा वंदन, ठीक, ये भी इनका क्या रहा है, एक टाइप रहा है। तो ये इनके समय के क्या रहे हैं, सिक्के रहे। अब अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहने का कारण सिर्फ एक था कि इन्होंने अपने शासन काल में जितने भी युद्ध लड़े उनमें से एक भी युद्ध में इनकी पराजय नहीं हुई, तो इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, तो समुद्रगुप्त आपको समझ में आए, ये बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। इनके टाइटल्स आप याद रखिएगा, कौन कौन से टाइटल्स इनको मिले थे, जैसे इनको टाइटल क्या क्या मिला था, कविराज, ठीक है, इसके अलावा बात करें तो विक्रम परम भगवता इनका टाइटल था। तो ये सारे टाइटल्स आपको याद रखने हैं और इनके समय में क्या क्या कार्य हुआ है, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति याद रखिएगा, ये किसने कंपोज किया, हरिसेन ने, और इसमें पूरे समुद्रगुप्त के बारे में दिया हुआ है, क्लियर हुआ। अब समुद्रगुप्त के बाद जो अगले गुप्ता राजा बनेंगे वो बनेंगे रामगुप्त। समुद्रगुप्त के अगले जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं, सॉरी, गुप्ता डायनेस्टी के वो कौन बनेंगे, रामगुप्त। देखिए, रामगुप्त को एक बात बताएं तो रामगुप्त का शासन काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन एक इवेंट ऐसा हुआ था जिसमें जिसके लिए हमें रामगुप्त को पढ़ना चाहिए, ठीक है। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं रहे हैं जितना चंद्रगुप्त वन या समुद्रगुप्त रहे, या इसके बाद जो राजा आएंगे चंद्रगुप्त टू, तो ये सारे इंपॉर्टेंट। तो रामगुप्त की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त के बाद ये गड्डी पर बैठे, ठीक है। इनके समय में हुआ क्या, इनके समय में इनका एक युद्ध हुआ सकास के साथ, ठीक है। तो उस टाइम पर एक रूलर थे सकास, ठीक है, इनका क्या हुआ, रामगुप्त का इनके साथ युद्ध हुआ और इसमें रामगुप्त की बुरी तरीके से हार हुई। मतलब जो शक थे उन्होंने क्या किया, रामगुप्त को बुरी तरीके से हराया, ठीक। अब इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इसकी हुई कि रामगुप्त की एक पत्नी थी, इनकी रानी थी, जिनका नाम था ध्रुवा देवी, ठीक है, या इनको ध्रुव स्वामिनी भी कहा जाता था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक सिक्के पढ़ाए थे, ध्रुव स्वामिनी, इनका नाम था ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, या हम इनको ध्रुवा देवी भी कहते थे, ठीक है। मैंने आपको याद करिए, जब मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ा रहा था तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में मैंने आपको उस टाइम पर इनकी एक सील बताई थी, ठीक है, कौन सी सील थी, ध्रुव स्वामिनी सील, और मैंने आपको बताया था कि इनकी सील कहां से मिली थी, वैशाली से मिली थी, और ये किसकी पत्नी थी, चंद्रगुप्त टू की। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रामगुप्त की पत्नी आप बता रहे हैं तो फिर ये चंद्रगुप्त टू की पत्नी कैसे बनी, तो इसका इतिहास इसी में छिपा है, ठीक। तो क्या था, रामगुप्त जब सकास से हारे, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपनी पत्नी उनके सामने सरेंडर कर दी, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, ध्रुवा देवी या ध्रुव स्वामिनी। तो जब इनका युद्ध हुआ सकास के साथ तो इनकी बहुत बुरी हार हुई, ठीक है, सकास के हाथों, और इन्होंने क्या किया, अपनी रानी जो थी ध्रुवा देवी, ध्रुव स्वामिनी, वो किसको दे दी, सका के राजा को, ठीक। अब ये चीज जो थी, ये चीज इनके भाई चंद्रगुप्त सेकंड को बहुत बुरी लगी। चंद्रगुप्त सेकंड कौन थे, इनके भाई, ठीक है, जो अगले राजा बनेंगे। तो इनके छोटे भाई जो थे चंद्रगुप्त सेकंड,
उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि रामगुप्त युद्ध तो हारे ही हारे, अपनी रानी भी उनको दे आए। तो इसके बाद जो इनके उन रानी को वहां से बचाने का काम करेंगे वो इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड करेंगे। तो इनके जो छोटे भाई सेकंड चंद्रगुप्त सेकंड थे, ठीक है, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपमान था। आप अपनी रानी उनके पास छोड़ आए, ये बहुत बड़ा क्या था, अपमान था। तो ये क्या करेंगे, चंद्रगुप्त टू फिर सकास के कैंप में जाएंगे और वहां से रानी ध्रुवा देवी को छुड़ा के ले आएंगे। और वहीं पर सका का जो राजा था जिससे रामगुप्त की हार हुई थी, चंद्रगुप्त टू, उसको वहीं मार देंगे और रानी ध्रुव देवी को छुड़ा लाएंगे। ठीक, तो रानी ध्रुव देवी जिनको रामगुप्त वहां छोड़ आए थे, उनके सामने सरेंडर कर दिया था, उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त टू जो हैं वो इसको अपमान समझ रहे थे और वो फिर सकास के पास जाएंगे और वहां पर सका के राजा को हराएंगे, उसको मारेंगे और ध्रुव देवी को क्या करेंगे, वापस ले आएंगे। ठीक, अब जब ये ध्रुव देवी को वापस ले आए, ठीक है, अब इनके भाई रामगुप्त का क्या होगा। तो चंद्रगुप्त टू जब वापस आए तो उन्होंने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी। तो चंद्रगुप्त टू जब वापस आए तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई रामगुप्त की भी क्या कर दी, हत्या कर दी, और इन्होंने ध्रुव देवी से शादी कर ली, ठीक है, और खुद राज सिंहासन पर बैठ गए। तो इसीलिए वहां पर जो मैंने आपको सील बताई थी ध्रुव देवी की, तो उसमें लिखा था क्वीन ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो वो इसीलिए था क्योंकि रामगुप्त को मारने के बाद चंद्रगुप्त टू ने ध्रुव देवी के साथ शादी करी और अब जो अगला राजा बना वो कौन बना, चंद्रगुप्त टू, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, विक्रमादित्य। ठीक, तो अगले जो राजा बनते हैं गुप्त एम्पायर में वो बनते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो अच्छा हाँ, रामगुप्त में आपको एक और चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे। तो ये याद रखिएगा, तांबे के सिक्के चलाने वाले एकलौते गुप्त शासक जो रहे हैं वो रहे हैं रामगुप्त। तो रामगुप्त ने अपने छोटे शासन काल में किसके सिक्के चलाए थे, कॉपर कॉइन्स। क्लियर, तो कॉपर कॉइन्स चलाए थे रामगुप्त ने, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब रामगुप्त के बाद जो अगले एम्परर बनते हैं वो बनते हैं चंद्रगुप्त टू, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, विक्रमादित्य, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो रीन पीरियड रहा वो रहा 380 एडी से लेकर के 412 एडी तक, ठीक है। और ये भी किसके बेटे रहे हैं, समुद्रगुप्त के बेटे रहे, ठीक है। जैसे समुद्रगुप्त के बेटे रामगुप्त थे वैसे ही चंद्रगुप्त टू भी किनके बेटे थे, समुद्रगुप्त के, ठीक है। तो चंद्रगुप्त टू ने सबसे पहले अपने भाभी को वहां से छुड़ाया, फिर अपने भैया भाई साहब को मारा, भाभी से ही शादी करी और सिंहासन पर बैठ गए, ठीक। अब चंद्रगुप्त टू की अगर हम बात करें तो इनके समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो इन्होंने उज्जैन को अपनी एक दूसरी राजधानी बनाया, ये आपको याद रखना है, उज्जैन, ठीक है। उज्जैन कहाँ है, आज का मध्य प्रदेश में, ठीक। तो उज्जैन क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सिटी थी, ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता था, बहुत सारा व्यापार होता था। इसी कारण से चंद्रगुप्त टू ने उज्जैन को अपनी ऑल्टरनेटिव कैपिटल बनाया। तो उज्जैन को अपनी राजधानी किस गुप्त राजा ने बनाई थी, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, या हम इनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर इनकी लड़ाई हुई थी एक सकक्षत्रपा राजा थे, ठीक है, सकक्षत्रपा राजा थे रुद्रसिम्हा 3। तो सकक्षत्रपा राजा थे रुद्रसिम्हा 3, इनके साथ इनका युद्ध हुआ और इसमें इन्होंने रुद्रसिम्हा 3 को मार दिया था और गुप्ता का एम्पायर जो था वो ब्रोच सोपारा कैम्बे तक फैल गया था, ठीक है, ब्रोच सोपारा कैम्बे।
और कई सारे सी पोर्ट्स भी इनके टाइम पर इन्होंने हासिल कर लिए थे। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था अपने लिए। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त ने भी क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इन्होंने भी क्या करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, और इन्होंने क्या टाइटल लिया, सकारी। ठीक है, तो सकारी टाइटल याद रखना है, ये किसने लिया था, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त वन के बारे में कि चंद्रगुप्त वन ने कई सारे मैट्रिमोनियल अलायंस किए थे, वैसा ही चंद्रगुप्त टू ने भी मैट्रिमोनियल अलायंस किया। अगर हम इनके मैट्रिमोनियल अलायंस की बात करें तो सबसे पहले तो इन्होंने एक नाग वंश की राजकुमारी से शादी करी थी, कुबेर नागा। ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया में नागवंश जो था उसकी एक राजकुमारी थी, कुबेर नागा, उनसे इन्होंने शादी करी। इसके अलावा इन्होंने अपनी बेटी जो है, उस टाइम पर एक डायनेस्टी हुआ करती थी, वकाटका डायनेस्टी। ठीक है, वकाटका डायनेस्टी के एक राजा थे रुद्रसेन सेकेंड। ठीक है, तो अपनी जो बेटी थी इन्होंने, चंद्रगुप्त टू की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, इसकी शादी किससे करवाई थी, रुद्रसेन सेकेंड से, और वो उस टाइम पर वकाटका वंश के राजा थे। ठीक, तो मैट्रिमोनियल अलायंस में इन्होंने एक तो कुबेर नागा से शादी करी, ठीक है, ये नागवंश की राजकुमारी थी। इसके अलावा अपनी बेटी की शादी जो प्रभावती गुप्ता थी, उसकी शादी रुद्रसेन सेकंड से कराई, जो वकाटका वंश के उस टाइम पर राजा थे। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन भी बनाया। मैंने आपको बताया था जब मैं इंस्क्रिप्शंस बता रहा था, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, ये वही मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है। ये किसके समय में बना, ये बना चंद्रगुप्त टू के समय। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन क्या रहा है। ठीक है, तो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन ये जो दिल्ली में है, ये किसने के शासनकाल में बना, चंद्रगुप्त टू, इनको कहा गया विक्रमादित्य। क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद जो राजा बनते हैं वो इनके बेटे बनते हैं, कुमारगुप्त फर्स्ट। तो कुमारगुप्त फर्स्ट जो रहे हैं वो इसके बाद चंद्रगुप्त टू के बाद राजा बने, ये चंद्रगुप्त टू के बेटे रहे हैं, इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, तो कुमारगुप्त वन ने भी क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, और कुमारगुप्त वन का नाम आपको इसलिए भी याद रखना है बहुत ज्यादा कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी रही है, देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम की सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी रही थी, उसका फाउंडर कौन रहे, कुमारगुप्त वन। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की खोज, ठीक है, उसके फाउंडर जो उस टाइम पर भी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, लोग बाहर बाहर से नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे अध्ययन करने के लिए, उसके संस्थापक कौन रहे हैं, कुमारगुप्त फर्स्ट। तो कुमारगुप्त फर्स्ट क्या रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक। ये आपको याद रखना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद अगला अगर हम बात करें कुमारगुप्त वन की, ठीक, तो इनके समय काल में अगर देखा जाए तो गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे क्या होने लगा, कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होने लगे, नॉर्थ में हूणों का आक्रमण, धीरे धीरे उसकी एक दहशत आने लगी। ठीक है, अभी तक तो गुप्ता एम्पायर बिल्कुल फुल फ्लेज चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, हूण और ये पुष्यमित्र, ठीक है, पुष्यमित्रास भी जो थे, ये भी क्या करने लगे, गुप्ता एम्पायर के लिए थ्रेटन बनने लगे। तो एक तरीके से कहा जाए तो गुप्ता एम्पायर की हिलने का समय जो शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ, वो इनके समय से शुरू हुआ, कौन, कुमारगुप्त फर्स्ट से। हालांकि कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पर किसी ने आक्रमण नहीं किया था, आक्रमण हुआ है इनके बाद जो राजा बनेंगे, कौन, स्कंदगुप्त। इनके जो बाद राजा बनते हैं स्कंदगुप्त, उनके समय में हूणों का सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो इनके समय में भले ही आक्रमण नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से डर बना जा रहा था,
ठीक है, लेकिन इसका जो डेंजर था उसको इन्होंने किसी तरह शिफ्ट कर दिया और ये डेंजर अब किसके यहां ऊपर आ गया, स्कंद गुप्त के, स्कंद गुप्त जो इसके बाद राजा बनेंगे। ठीक है, तो अब जो इनके अगले जो राजा बनते हैं, अब इससे पहले अगर हम देखें तो ये भगवान कार्तिकेय, कार्तिकेय कौन थे, कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र थे, गणेश जी के भाई, तो ये उनके वर्ष पर रहे हैं कार्तिकेय के। तो आपको याद रखना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्तिकेय की पूजा करने वाले कौन से गुप्त शासक रहे हैं, तो वो कौन से गुप्त शासक रहे हैं, कुमार गुप्त फर्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने भी बहुत सारे टाइटल लिए थे, जैसे महेंद्रादित्य, महेंद्र सिम्हा, ये सारे टाइटल्स किसने लिए थे, गुप्त के किंग, ठीक है, कुमार गुप्त फर्स्ट। अब इनके समय में जो सिक्के चलते थे वो चलते थे नाग निहाता टाइप, अपातिगृह मुद्रा टाइप, कार्तिकेय टाइप, ये सारे सिक्के किसने चलवाए थे, कुमार गुप्त फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद जो राजा बनते हैं, जहां से गुप्त एम्पायर धीरे धीरे अपने पतन की ओर जाना शुरू होता है, वो है स्कंद। ठीक, इनके भी टाइटल अगर देखें तो इनका जो टाइटल रहा वो रहा विक्रमादित्य, ठीक है, परम भगवता, देवराज, ये क्या रहे इनके टाइटल रहे। अभी मैंने आपको बताया था विक्रमादित्य के बारे में, विक्रमादित्य इनके पहले किसको बोला जाता था, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इनके समय में अगर हम बात करें तो इनके समय में एक इंस्क्रिप्शन रहा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया कि जो सुदर्शन लेक है, सुदर्शन लेक आपने सुना होगा, मैंने पहले आपको बताया था सुदर्शन लेक के बारे में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बारिश के कारण हुआ क्या था कि सुदर्शन लेक में क्या हो गया था, बाढ़ आ गई थी, बर्स्ट हो गया था, तो सुदर्शन लेक को वापस से रीस्टोर करने का काम किन्होंने किया था, स्कंद गुप्त ने। तो एक तरीके से कहा जाए तो सुदर्शन लेक का, ठीक है, रीस्टोरेशन किसने किया था, स्कंद गुप्त ने। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इनके समय में हूणों का आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे थे, धीरे धीरे क्या कर रहे थे, आक्रमण तो हूणों को आने नहीं दे रहे थे, मतलब हूणों को लगातार क्या कर रहे थे, ये हराते जा रहे थे। ठीक है, मतलब हूण जो आक्रमण कर रहे थे ये धीरे धीरे क्या कर रहे थे, उसको मतलब रिपेल करते जा रहे थे, और इसी से इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया विक्रमादित्य का। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, ये भिथारी पिलर इंस्क्रिप्शन में मिलती है, ये बात कहाँ मिलती है, ये भिथारी पिलर इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हूण को सक्सेसफुली ये करते रहे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो स्कंद गुप्त की अगर हम बात करें तो इनके समय में चूंकि हूणों का लगातार अटैक होता रहा, जिसके कारण एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगा और इनकी इकोनॉमी जो हो गई वो बुरी तरीके से नीचे गिरी। ठीक, तो एक तरीके से एम्पायर का वीक होना शुरू हो गया, एम्पायर धीरे धीरे क्या होने लगा, डिटोरेट होने लगा, क्योंकि हूण लगातार क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, जिसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा था, गुप्ता एम्पायर को। ठीक, और जब स्कंद गुप्त की डेथ हुई, ठीक है, तो उसके बाद से पॉलिटिकल यूनिटी और स्टेबिलिटी क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई, मतलब क्या होने लगा, अब पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन बहुत ज्यादा, मतलब पॉलिटिकली अब क्या होने लगी, अनस्टेबिलिटी आने लगी। ठीक है, तो ये स्कंद गुप्त के बारे में था। अब इनके कुछ और रूलर्स रहे हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है। स्कंद गुप्त के बाद कई सारे गुप्ता रूलर्स आए, ठीक है, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पुरु गुप्ता है, कुमार गुप्त सेकेंड है, फिर इसके बाद बुध गुप्त है, नरसिम्हा गुप्त है, विनायक गुप्त है, बालादित्य है, विष्णु गुप्त है। ठीक, अब आपको यहां पर सिर्फ एक नाम याद रखना है, वो है विष्णु गुप्त। अब विष्णु गुप्त क्यों याद रखना है, क्योंकि विष्णु गुप्त सबसे आखिरी शासक रहे हैं गुप्ता वंश के, गुप्ता वंश जिसकी शुरुआत श्री गुप्त से हुई थी, उनका अंत किससे हुआ, विष्णु गुप्त से। तो विष्णु गुप्त जो रहे वो सबसे आखिरी शासक रहे, ठीक है, नॉमिनल पावर रहे। ठीक है, तो ये जो आखिरी शासक रहे ये रहे विष्णु गुप्त, आई नहीं होगा, ये यू होगा, विष्णु गुप्त। ठीक, तो यहां पर आकर के गुप्ता एम्पायर के जितने भी रूलर्स थे हमने पढ़ लिए। ठीक, यहां पर आकर के हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको गुप्ता डायनेस्टी थोड़ा सा समझ में आया होगा।
हमने अभी तक इनके इंफॉर्मेशन पढ़ा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हमने इनके इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रूलर्स देखे। अब हम जो कल की क्लास में पढ़ेंगे वो इनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, गुप्ता एम्पायर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। इनके समय में कौन कौन से ऑफिसर्स थे, मंत्रिपरिषद कैसा था, कौन कौन से ऑफिसर्स इनके हुआ करते थे। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्लास को रेगुलरली देखते रहिए, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी डिटेल्स में शायद ही आपको कोई बता पाएगा एंशिएंट हिस्ट्री को, जितना डिटेल में मैंने आपको बताया है विद नोट्स। आप नोट्स जो है वो टेक्स्ट से कॉपी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल देता हूँ, वहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए, इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, ये हमारी टीम काम कर रही है इस पर, लेकिन चूंकि कुछ कारणों से हम अभी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, बाद में एक साथ हम प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन चूंकि अभी आपको रिवीजन करना रहता है क्लास के बाद, आप उन नोट से पढ़ाई कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।